दोस्तों, आप सी के चैनल में आपका स्वागत है। बेबी जंपसूट के थर्ड पार्ट को लेके मैं हाजिर हूँ। तो ये साथ साथ फंदे बढ़ने के बाद ये लगभग 19-20 सेंटीमीटर तक ये बन चुका है और इस समय टोटल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इस समय हमारा जंपसूट लोअर शोल्डर तक बन के तैयार है और अब हमें इसके तीन पार्ट करने होंगे। ये दो फ्रंट के पार्ट और एक बैक का पार्ट, तीन पार्ट करना होगा और तीनों पार्ट को हम अलग अलग बुनेंगे। न एक भी फंदा बढ़ाए या घटाए हुए, बस हमको एज इट इज़ बुनना है। फ्रंट पार्ट में, दोनों फ्रंट पार्ट में 40-40 फंदे रहेंगे इंक्लूडेड बॉर्डर, और बैक पार्ट में 65 फंदे। दोनों फ्रंट पार्ट में 40-40 फंदे रहेंगे और बैक पार्ट में 65 फंदे रहेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 145 फंदे हैं। तो इस तरह इन फंदों को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद तीनों पार्ट को अलग अलग हमें बुनना है, न कोई फंदा बढ़ाए हुए और न कोई फंदा घटाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट जो है वो ये मैंने बुन के कंप्लीट कर लिया है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर आर्म होल के लिए परफेक्ट है। तो ऐसे ही हमें इन दोनों पार्ट को भी अलग अलग 13-13 सेंटीमीटर बनाना होगा। तो फिर 13 सेंटीमीटर बनाने के बाद हम मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों पार्ट 13-13 सेंटीमीटर तक कंप्लीट हो गए हैं और हमारा आर्म होल बन चुका है। तो अब हमें कंधा जोड़ना होगा। अब हम इसे उल्टे की तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और हमारा जंपसूट कुछ ये उल्टे की तरफ से है, कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब हमें इसके कंधे को जोड़ना है। तो कंधे को जोड़ने की दो विधियां हैं, या तो हम सुई से सिल के जोड़ दें, या फिर एक इस सिलाई से फंदा लें और एक इस सिलाई से फंदा लें, जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं कंधा। तो दोनों तरीके से, किसी भी विधि से इसे जोड़ा जा सकता है। तो मैं इसे सुई से जोड़ूंगी। तो हम सुई से इसे उल्टे तरफ और सीधे तरफ से दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं। तो उल्टी तरफ से मैं कभी कोई स्पेशल वीडियो बना के उसमें डाल दूँगी, आज मैं सीधी तरफ से इसे सिलूँगी। तो हमारे सिलाई पे 40 फंदे हैं, ये फ्रंट वाले सिलाई पे 40 फंदे हैं। तो हम कंधे के लिए 22 फंदे रखेंगे और 18 फंदे इधर हुडी के लिए छोड़ेंगे। तो हम एक लंबा सा धागा, यहाँ हमारा ऊन था, इसमें से लंबा सा काट लेंगे और सुई में इसको डाल देंगे और अब हम सिलाई करते हैं। तो हम ऐसे ऊपर से डालेंगे फंदा और दूसरे फंदे में ऐसे नीचे से निकालेंगे और फिर दूसरे सिलाई के फंदे में ऐसे। अब देखिए, दूसरी सिलाई वाले में बैक वाले में ऐसे ऊपर से जो इस फंदे में हमने पहले डाला था उसी में वापस ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में फंदा है उसमें ऐसे अंदर से और फिर खींच लेंगे। हमें जब बहुत ज़्यादा न टाइट करना है न बहुत ज़्यादा ढीला करना है। अब जो फंदा ये देखिए, ये पहले वाला सिलाई का ये फंदा जिसमें हमने पिछली बार में डाला था उसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो फंदा सिलाई में है उसमें ऐसे अंदर से। पीछे वाले सिलाई में
जिसमें पहले हमने डाला है उसी में ऊपर से ऐसे सिलाई सुई डालेंगे और जो फंदा सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे नीचे से फिर हमें उनको खींच लेना है। ये सिलना शुरू हो गया है। इसी तरह पहले वाले फंदे में, पहले वाले सिलाई में जो जिसमें हमने पिछली बार में डाला था उसी में ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में फंदा लगा हुआ है उसमें अंदर से, फिर दोनों को गिरा देंगे और धागा खींच लेंगे। फिर से देखिए, इस फंदे में हमने पिछली बार धागा डाला था, सुई डाला था, तो वापस हम इसी फंदे में ऐसे ऊपर से डालेंगे और ये फंदा जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से अब गिरा देंगे और धागे को खींच देंगे। देखिए हमारा सिलना शुरू हो गया है। अब ये पहला सिलाई है हमारी तरफ वाला, उसमें जिस फंदे में हमने पिछली बार सुई डाला था उसी में फिर से हम ऊपर से ऐसे डालेंगे और जो फंदे में जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से दोनों को गिरा देंगे और धागे को खींच देंगे। हमें ना बहुत ज़्यादा टाइट करना है और ना बहुत ढीला छोड़ना है। ढीला छोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इक्वली करना है। अब पीछे वाले सिलाई में देखिए, जिसमें हमने पिछली बार में डाला था उसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें अंदर से और दोनों को ऐसे गिरा देंगे और खींच लेंगे। इसी तरह करते हुए हमें 22 फंदे सिल लेने हैं। 22 फंदे मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। हमेशा सुई जो है, जो फंदा निकला हुआ है, जो फंदा सिला जा चुका है उसमें ऊपर से डालेंगे और जो फंदा सिलाई में लगा हुआ है उसमें नीचे से। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ये फंदा गिर चुका है तो इसमें हम ऊपर से डालेंगे और जो फंदा सिलाई में लगा हुआ है उसमें नीचे से। देखिए इसमें सिलाई का पता ही नहीं चलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 22 फंदे जोड़े जा चुके हैं और अब ये हुडी के लिए ये 18 फंदे रह गए हैं। तो अब हम इसे ऐसे सिल देंगे और धागे को काट देंगे। हमारा एक तरफ का कंधा बन चुका। देखिए हमारा एक तरफ का कंधा बन चुका, यहाँ पे सिलाई पता ही नहीं चल रहा है। पीछे से देखिए
और ये आगे से। अब इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी सिलाई करना होगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी 22 फंदों को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे धागा जोड़ लेंगे। अब हम ऐसे अपनी साइड वाले में ऐसे ऊपर से डालेंगे और दूसरे वाले में अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, और इसी तरह बैक साइड वाले में भी ऐसे ऊपर से डालेंगे और अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। अब दूसरे फंदे में जो हमने गिरा दिया है उसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से। जो फंदा हमने गिरा दिया है पिछली बार जिसमें धागा डाला था उसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से। गिराए हुए फंदे में ऊपर से डालेंगे और सिलाई में लगे हुए फंदे में ऐसे अंदर से। जिसमें धागा पड़ा हुआ है तो इसमें ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से। पीछे साइड से सिलने से धागा फंसने का डर नहीं रहता है ना, हमको ज़्यादा खींचना है ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है, एक बराबर से हमें सिलाई करनी है। जो फंदा गिरा दिया गया है उसमें नीचे ऊपर से और जो फंदा लगा हुआ है सिलाई में उसमें अंदर से। जो फंदा गिरा दिया गया है ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो फंदा सिलाई में लगा हुआ है उसमें देखिए ऐसे अंदर से। अब ये फंदा गिरा दिया गया है तो इसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और ये देखिए ये अंदर से, इस साइड से इसमें हम सुई डालेंगे। जो फंदा गिरा दिया गया है उसमें ऊपर से और जो सिलाई में लगा हुआ है अंदर से, यानी कि बैक साइड से, बैक साइड से जो फंदा ये बुना सिला जा चुका है उसमें ऊपर से डालेंगे और जो फंदा सिलाई में लगा हुआ है उसमें देखिए बैक साइड से डालेंगे अंदर से। इसी तरह करते हुए हमें 22 फंदे सिल लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ढीला छोड़ना है। अब 22 फंदे सिले जा चुके हैं तो इसे हम ऐसे टाइट कर देंगे और धागे को अंदर फंसा देंगे। देखिए अब कंधे तक का पोर्शन बनके तैयार है, यह हमारा कंधा जुड़ गया और अब इस पर हुडी बनाना है। तो अब हुडी नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे, तो तब तक आप इतना बनाइए, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।